当当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 अबे छोटे हम हैं डरते थोड़ी हैं करनी सेना वाले पानी कम है अपनी जान पे खेल के मूवी देखी है भैया खेलने से याद आए करनी सेना वाले मुश्ताशी खेल रहे लोगों से कहीं आपको फुटबॉल ना बना दे अबे छोटे तू अभी छोटा है अकल का मोटा है बिन पैंदी का लोटा है हम अपना हथियार हमेशा साथ लेके चलते हैं क्या बात कर रहे हो भैया गोला बारूद साथ लेकर आए हो अबे ये देख मेरा हथियार आइला लॉलीपॉप ये ढोंगा आज पक्का पिट के मानेगा भाई अकल की उतरी नहीं क्या ये लॉलीपॉप है लॉलीपॉप तो नहीं अबे छोड़ो मैं अभी डेमो दो भैया मुंह में ताला लगा लिया है क्या जो आमिर को बुला लिया अबे छोड़ हम सारे बूढ़े लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं तू देख मेरा अभी ये डेमो दिखाओ मैं एक नंदक था उन्ना था प्यारा था नंदू वाला बच्चा हूँ 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 टन टडन 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 अरे छोटे नाच पिटो तू ये बोल बोल के ना करनी सेना वालों को जरूर बुला लियो रुक चुप रह तेरा तो अभी इलाज करता हूँ तेरी तो आई आई और दू खुराक तुझे बदला लिया जाएगा और खुराक दू आधे लोग उधर निगाह रखो आगे लोग उधर निगाह ये कहने रुक अंकल मैं तो एक छोटा सा नन्ना था मुन्ना था प्यारा था बच्चा हूँ बहुत तेज करा रहे हैं लंटी चाहे नहीं पीछे मुल्लो मुड़ गया चुड़ी काट दे भैया ये लठ वाले अंकल देखने में रणबीर सिंह जैसे नहीं लग रहे हैं नहीं तो क्या मैं तो खलजी लग रहा है रणबीर सिंह जैसे ही लग रहे हैं मैं फिल्म देख के आया हूँ खुद देख इसका मुंह खुद मैं फिल्म देख के आया हूँ भाई ये लो अबे छोटे मरवा दिया नाक पीटे ये लो मरवा दिया छोटे नाक मीटे तो तेरी वजह से रूप कुतरिया तुझे मैं आज बताता हूँ अब हिंदी बोल वहाँ का नका शको मखो छिनो अब सुन किम तू मेरी बात सुन ले अगर तेरे पास मिसाइल है ना तो मैं सहारनपुर का हूँ और मेरे पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है जो तेरे ऊपर छोड़ दूंगा बस वर्ल्ड हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों की जय जय इस बार जय जय हमारे जेटली जी की जिन्होंने बजट पेश करके मिडिल क्लास की लगा दी गलत मत समझिए क्लास लगा दी जी हाँ लेकिन कुछ लुच्चे टूचे लोग ऐसे हैं जो इस बजट की अभी भी तारीफ कर रहे हैं यकीन नहीं होता अरे लालू जी बताइए बजट कैसा है चाचा तो पागल हो गए हैं मतलब जेल के अंदर तो ये डिप्रेशन में चले गए खैर लालू जी को यही छोड़ते हैं क्योंकि ये हो गए हैं भाव विभोर इनसे आगे बढ़ते हैं आगे हैं हमारे पास ओवैसी जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम ये बताइए बजट कैसा था वेरी गुड अच्छे दिन आ गए क्या बात है भैया आज तो हृदय परिवर्तन हो गया है ओवैसी साहब भी तारीफ और कमाल है खैर इनको यही छोड़ते हैं इनसे आगे बढ़ते हैं इनके बाद है हमारे पास ट्रम्प Please tell the Trump how was the budget? Look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic. Oh, Trump, my friend, well, thanks for the clap and thank you and liking के लिए भी thank you and all the Modi ji. बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई. खैर ट्रंप को यहीं छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हमारे साथ हैं राहुल बाबा जी हाँ दोस्तों राहुल बाबा कांग्रेस अध्यक्ष उनसे भी पूछ लेते हैं उनको आम बजट कैसा लगा बताइए राहुल बाबा आम बजट कैसा लगा तोड़ दिया खत्म कर दिया अरे बाबा किसने तोड़ दिया तुम्हें किसने मुक्का माका मार दिया तुम तो अकेले भी नहीं घूमते और आजकल तुम्हारे वो नए गुरु अरे अशोक गहलोत राजस्थान वाले वो कहाँ थे गहलोत जी नहीं है जयपुर जाना था
तभी हमारा लोडना पिट गया यार। अच्छा चाचा ये तो बताओ, तुमने जो 70,000 की जैकेट पहन के जो ये रायता फैलाया है, ये बीजेपी वाले पूछ रहे हैं ये जैकेट किस ब्रांड की है, कौन सा मॉडल है इसका? मोदी मॉडल, मोदी मॉडल। क्या मोदी मॉडल? अरे तुम कल तक तो यार पानी पी पी के उन्हें गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे, आज मोदी मॉडल जैकेट। अरे भैया तुम ये बताओ, ये जैकेट पहनना, ये विदेश यात्राएं करना, भैया कब सुधरोगे? मैं आपको सीधा बता देता हूँ, खुली बात मुझे बोलनी अच्छी लगती है। बोलना यार, मैंने कौन सा पकड़ा हुआ है? मैं आपको यहाँ स्टेज से आश्वासन देना चाहता हूँ, सब होगा, आस्ते आस्ते सब होगा। इसका मतलब बाबा अभी भी सुधरने का कोई प्लान नहीं है तुम्हारे पास है। अच्छा ये बताओ, जो आजकल चल रहा है उसका नाम क्या है? भैया क्या हुआ, नाम भूल गए क्या? मैं बताऊं? मिस्त्री जी बैठे हैं। ओके आई सी, मतलब मिस्त्री जी बैठे हैं इसलिए नाम नहीं बता रहे हो। अच्छा बिना नाम लिए बता दो यार, प्यार मोहब्बत कैसा चल रहा है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? कुछ लड़ती तो नहीं वो तुमसे? प्यार से लड़ती है और जीत सकती है। क्या वो भी आपसे जीत जाती है? अरे मेरे कांग्रेस अध्यक्ष कहीं तो जीत जाओ। वो हारती नहीं, ये रियलिटी है। अच्छा भैया ये बताओ, इस सेटिंग वाले मिशन में आपके साथ कौन कौन था? मिस्त्री जी बैठे हैं, सैम पिट्रोडा यहाँ नहीं है। अच्छा इन्होंने मिस्त्री जी ने भी आपका साथ दिया, वैसे इनके पास आजकल वक्त बहुत है। अच्छा भैया फिर भी प्लीज ना बता दो, लड़की ना प्लीज चश्मा देखो बताओ ना। अच्छा भैया ये बताओ, जो ये सेटिंग आपने अंजाम तक पहुंचा दी है, ये किसकी लीडरशिप में गई है? गहलोत जी ने लीडरशिप दी। अच्छा ये सारे प्रसाद की जड़ी अशोक है, तो इस तरह चल रही है 2019 की तैयारियां हैं और शादी हम ये करके दिखाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, राहुल बाबा ने कर दिया है शादी का ऐलान। लड़की का नाम अभी गुप्त है और सोनम गुप्ता तो बेवफा है। थैंक यू राहुल बाबा हमारे पास आने के लिए। मैं आता रहूंगा। अरे राहुल बाबा तुमने हमें जनरल ट्रेन की बोगी समझ लिए, जब मर्जी घुसाओगे यहाँ से हम नहीं बुलाएंगे। और जाना है ना अर्णव के पास जाओ, वो बताएगा तुम्हें, बता रही हूँ। क्या राहुल बाबा से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेजू ब्रदर्स की, जिन्होंने उठा ली है करनी और लगे हैं घर बनाने। अरे अम्मा राबड़ी मेरी अम्मा, सुन लो बच्चे की, बेचारा अब तो जिम्मेदारी उठा रहा है, अब तो हाथ पीले करा दो प्लीज। दोस्तों अपना तेज प्रताप भाई बहुत ही अच्छा लड़का है, पापा के जेल जाते ही काम में लग गया है, घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, कमा रहा है, बता रहा है कि मम्मी मम्मी राबड़ी जी अब तो मेरे हाथ पीले कर दो, अब तो मेरी शादी करा दो। जी हाँ भाई लोगों, हमारे निखट्टू ब्रदर्स में से तेज प्रताप ने शुरू कर दिया है काम, अब नहीं कर रहा वो आराम। लेकिन भाई तेज प्रताप आजकल तो सरकारी नौकरियों की बहार है, पकड़ लो, काहे सीमेंट में हाथ काले कर रहे हो, कल को इन्हीं हाथों से खुद का कन्या दान करना है। सॉरी कन्या दान तो लड़की का होता है, अपना तेज प्रताप तो लड़का है। अरे अरे इन्हें स्वयंवर रचाना है, दहेज का माल भी तो गिनना है। दोस्तों अभी तक खिलजी की जंग खत्म भी नहीं होती कि हमारी बीजेपी कर्नाटक में टीपू सुल्तान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है और उनका मानना है कि बड़ी आसानी से टीपू को हरा देंगे। लेकिन इस टीपू को कम मत समझना, ये कर्नाटक से दिल्ली विधानसभा तक घुस आया है, वो भी सोच रहा होगा कि खिलजी की तरह वो भी हिट हो जाए। तो टीपू बनाम बीजेपी की झेली हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों आजकल अपनी बीजेपी पार्टी पूरी वीरता के साथ जुटी हुई है पुराने बादशाहों को हराने में, पहले उन्होंने तैमूर को पटका, फिर खिलजी की खिल्ली उड़ाई, अब जंग जारी है अपने टीपू से। लेकिन टीपू भी है कि मानता नहीं, उसने भी बीजेपी को पटक मारने की पूरी कसम खाई है, इसलिए वो घुस आया है केजू के पास, मतलब दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि टीपू को पता है दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं। पर बीजेपी भी कहां छोड़ने वाली है, उसने भी कमर कस ली है, कर्नाटक चुनाव में वो टीपू पर इतना नाटक करेगी कि कांग्रेस पस्त और बीजेपी मस्त हो जाएगी। भाई नया फॉर्मूला है चुनाव जीतने का। दोस्तों वक्त आ गया स्टूडियो से बाहर निकलने का, अपनी ज्ञानशील परम आदरणीय जनता से बात करने का, आइए। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली के अंदर आजकल चल रही है सीलिंग, इसीलिए हम ले आए सी लिंक, मतलब सी मतलब दिल्ली में समुद्र आएगा। अब कैसे आएगा ये तो जनता ही बताएगी, आइए।
जैसे दिल्ली में सीलिंग चल रही है भाजी, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम दिल्ली को अब सी से ही लिंक कर देंगे। जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक है बॉम्बे में, कह रहे पूरी दिल्ली को सी से लिंक कर देंगे, तो सरकार का ये कदम हम पूछ रहे हैं ठीक है गलत है? पहला तो कदम बिल्कुल सही है। अच्छा, एनक्रोचमेंट और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अगर ये होती रहेंगी तो शहर तबाह हो जाएंगे। और सुनो, आई बिलोंग टू दिल्ली, चांदनी चौक में रहता हूँ। अच्छा, गाँव मेरा यहाँ सदरपुर है। सदरपुर, हाँ, फॉर द लास्ट 40 इयर्स में वहीं हूँ और डेली आता जाता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि नोएडा की हालत देख रहे हो, क्या हो रहे हो? ये तो सीलिंग, तो इट शुड बी एवरीवेयर, हर जगह होनी चाहिए। अच्छा, जैसे दिल्ली में सीलिंग चल रही है जी, सरकार ये कह रही है कि हम पूरे दिल्ली को सीलिंग से जोड़ देते हैं। हाँ, सरकार का कदम सही है? कदम सही नहीं है सरकार का। इतने पुराने लोग बैठे हुए हैं, पहले इन लोगों ने उनको पक्का करा, उनको अलाउ किया। सीलिंग कह रहे हैं, जैसे बॉम्बे में सीलिंग है, बांद्रा वर्ली सीलिंग है, बिल्कुल ऐसे ही दिल्ली में बीचेस बना के सीलिंग बना देंगे, कह रहे पूरी दिल्ली को जोड़ देंगे। हाँ, वो तो अच्छा कदम है सर, वो तो करना चाहिए इतना ज्यादा। आप तो मतलब ये कदम सही है सरकार का, यहाँ सीलिंग बना रहे हैं? हाँ जी सर, गर्मी में गए वहीं कूद के जाके समुद्र में, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे जाने की। कृत्रिम समुद्र बना रहे हैं, कृत्रिम समुद्र बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। हमारे हरिद्वार यही हो जाएगा, हरिद्वार नहीं बॉम्बे यही हो जाएगा, हरिद्वार तो ये रहा, बॉम्बे यही हो जाएगा। जैसे हमारी नहरें नदियों में समुद्र में मिलती हैं, ऐसे समुद्र से नहर बना के दिल्ली तक ला रहे हैं। तो अच्छा कर रही है, आराम से नाव जाके देखो, और क्या समुद्र के अंदर लहरों में देखो। हाँ, हमारे रशियन भी नहाती मिलेंगी, उन्हें भी देखो। हैं अंग्रेज, वो तो देखो, देखना ही पड़ेगा, अपनी आंखें खुल जाएंगी देख के। हाँ, अगर नहर बना के ला देंगे, अगर समुद्र आ जाएगा तो अच्छी बात है भाई, यहाँ के बंदे फिर मुंबई नहीं जाएंगे, गोवा नहीं जाएंगे, यही देखो मस्ती करेंगे। तुम तो वैसे मस्ती खूब कर रहे हो, तुम्हारे समुद्र आ जाएगा मस्ती डबल हो जाएगी तुम्हारी, तो फिर तो अंग्रेजन भी देखोगे सब नहाती हुई। केजरीवाल के तो कोई सपोर्ट में नहीं है, तो गलत ही कर रहा है। ये गलत है, समुद्र आ जाएगा, यहाँ बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, गोवा नहीं जाना पड़ेगा। बेकार है। तुम्हें देख कैसा लग रहा है, तुम 6 महीने से नहाए नहीं और समुद्र के भी मना कर रहे हो। सर्दी बहुत है, तभी गर्लफ्रेंड नहीं रुकी, बदबू आती है, मैं तो भाग रही हूँ। सेफ वाटर, रोटी भी खाना छोड़ दो, सेफ दांत, दांत घिस जाते हैं। पानी तो वेस्ट होगा, खाना तो कहीं जा ही तो रहा है, वो भी तो वेस्ट ही कर रहे हो, दांत घिस रहे हैं। हमारा ना जैसे दिल्ली में सीलिंग चल रही है सर, तो केजरीवाल कह रहा है कि पूरी दिल्ली को हम सी से ही लिंक कर देते हैं। हाँ, है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि बॉम्बे से नहर खोद के समुद्र लाया जाएगा। तो सरकार, केजरीवाल सरकार ये सही कर रही है, गलत कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है, दिल्ली का पानी नहाने लायक नहीं है, पीने के बाद छोड़ समुद्र यहाँ आ जाएगा। बढ़िया है, सही है। मछलियाँ पकड़ने जाओगे तुम तो फिर? मगरमच्छ पकड़ के ले जाए, वहीं आओ ऐसे पकड़ के मछली पकड़ने गए, इनकम टैक्स लगा लेंगे उस पे। इनकम टैक्स जाहिर से बात सर, वहाँ कौन सी इनकम हो रही है तुम्हारी? अगर समुद्र आ गया तो मछली पकड़ने के लिए, मछली तो एक आदमी पकड़ लो, उसके लिए क्या है, तो फिशिंग होती है, तो फिशिंग एक आदमी करने देंगे ना, तो फिशरमैन भी आ जाएंगे ना वहाँ पर। भाई जहाज बिछा दो, नहीं थोड़ा दूर भी होना चाहिए ना, ताकि बंदा मुंबई भी घूमने जाएगा। अब सर दिल्ली में तो है ही पहले से इमारतें, मुंबई पानी तो नहीं है दिल्ली में, वो समुद्र ला रहा है, वो गलत कर रहा है। मतलब बिजली बनेगी उससे, घर में पानी भी जाएगा, प्योरीफाई हो गए। तो फैक्चुअल बात तो ये है कि जगह ही नहीं है, नदी के लिए जगह नहीं है, समुद्र कहाँ से लाएंगे भाई? कृत्रिम समुद्र बना रहे दिल्ली के बाहर, सारी जगह जगह है, द्वारका सारा खाली नहीं पड़ा पीछे, तो गरीबों के लिए। आप गए नहीं कभी द्वारका? नहीं, मैं द्वारका नहीं गया। क्वेश्चन ये है, केजरीवाल कह रहा है कि दिल्ली में सीलिंग चल रही है और पूरे दिल्ली को सी से लिंक कर रहे हैं, समुद्र ला रहे हैं, तो ये केजरीवाल ठीक कर रहा है? दिल्ली में समुद्र आ जाएगा क्यों, बताओ क्यों? कोई रीजन नहीं है मेरे पास। रीजन ना होना भी तो रीजन है। क्या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो क्या? हेलो, दिखाओ। हेलो, हाँ जमीला, क्या बोल रही है तू? ये लड़का अच्छा, ये बदतमीज है। दिल्ली में सीलिंग चल रही है इस वक्त। अच्छा, तो केजरीवाल क्या कह रहा है कि मैं पूरी दिल्ली को सीलिंक कर दूंगा, मतलब समुद्र से जोड़ दूंगा, नहर खोद के यहाँ तक समुद्र ले आऊंगा। अच्छा, तो हम पूछ रहे हैं भाई, तू नहर खोद के यहाँ समुद्र तो ले आएगा। अच्छा, तो क्या ये ठीक है, गलत है? गलत है, दिल्ली में समुद्र के लिए जगह कहाँ है? द्वारका में जगह देख लिया ना, पब्लिक को रहने को जगह है ना, समुद्र के लिए कहाँ जगह? नहीं, द्वारका में खाली पड़ी है एयरपोर्ट के पास। द्वारका तरफ तो वहाँ हम वही पूछ रहे हैं, ठीक कर रहा है वो? गलत है।
यहाँ समुद्र की जरूरत क्या है? वहाँ मछलियाँ भी मंगा ली उसने, मगरमच्छ सब मंगा लिए समुद्र के प्राणी। जमुना कम पड़ रही है क्या? हाँ, समुद्र की जरूरत क्या है? तो दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा कि दिल्ली में समुद्र कैसे आएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि मुझे स्टूडियो पहुंचना है। आइए मेरे साथ स्टूडियो।